हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डेनिम 14 पॉइंट्स, यानी कि डेनिम 14 पॉइंट्स ने वो कौन से तर्क दिए थे जिसमें वो हमको गौर करने वाली बात है, और किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जो डेनिम ने 14 पॉइंट्स दिए थे वो कौन कौन से पॉइंट्स थे। बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, अक्सर काफी प्रॉब्लम्स होती है, और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि इस 14 पॉइंट को हम रटे तो रटे कैसे। तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट्स का एक शॉर्ट में संक्षिप्त में आपको कुछ ब्लू टर्म्स यहाँ पे लिखा हूँ, आप ब्लू पॉइंट्स देख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते चलूंगा कि इंडस्ट्रीज में किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का कैसे हमको किसी भी चीज क्वालिटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट को, इसके कंट्रोल को कैसे मॉडिफाई करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डेनिम 14 पॉइंट्स ने इन्हीं सब के कुछ ना कुछ यहाँ पे तर्क को मोड़ के यहाँ पे कुछ पेश किया। 14 पॉइंट्स वो बोला, डेनिम को जो फोकस था सबसे पहले हम वो जान लेते कि डेनिम कहना क्या चाहता था, आखिर इसका जो इंटेंशन था, उसका जो उद्देश्य था वो क्या था। यहाँ पे जो ग्रीन पॉइंट्स लिखा हूं, मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखा हूं, और फिर यहां से लेके 1 से लेके मैं 14 तक आपको डिस्कस करेंगे कि आखिर वो 14 पॉइंट्स कौन से थे। पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, काफी मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेनिम प्लान्स ऑन पीडीसीए साइकिल, ये शब्द आप देखे होंगे। पीडीसीए, पीडीसीए का मतलब होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पीडीसीए बोला कि ऐसा हमको प्लान करना है किसी भी इंडस्ट्रीज पे, अगर प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको ऐसी प्लान चाहिए जो हमें साइकिल होनी चाहिए, प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल, यानी कि पीडीसीए साइकिल। वो ये कहता था डेनिम के जो 14 पॉइंट्स थे, इसका जो मेन इंटेंशन था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो पीडीसीए साइकिल पर ही बेस्ड था। पीडीसीए साइकिल प्लान करिए, यानी कि किसी भी काम करने के लिए, अगर कोई इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो वहां कोई सपोज मान लीजिए कुछ आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत है, तो आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद डू लिखा हुआ है, यानी कि डी से मतलब है डू, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, उस प्लान को आप इंप्लीमेंट करिए और देखिए करके कैसा वो हो रहा है। जब आप डू करने के बाद यहाँ पे सी का मतलब है चेक, जो भी आप प्लान किए, जो एग्जीक्यूट किए थे, उसको आप एनालाइज करिए, उसको आप चेक करिए कि ये जो प्लान था क्या मेरा ये वाकई में काम लायक है या फिर काम लायक नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको चेक करिए। एक्ट, अगर वो सक्सेसफुल है, आपकी जो भी प्लानिंग आपने की थी, एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद फिर आपने जो वहां पे चेक किया, अगर ये चीज सही स्लॉट है तो फिर आप एक्ट करिए, यानी कि आप उस चीज को काम करना स्टार्ट करिए। फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेटिंग वर्कफोर्स, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्होंने क्वालिटी को ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि एक मैनेजमेंट में लगने वाले ह्यूमंस और लगने वाले वर्कर्स पर कंसंट्रेट किया। वो ये बोला डेनिम 14 पॉइंट्स में, जो उसका मेन मुख्य उद्देश्य था, वो ये बोला कि जितने भी मैनेजमेंट्स में, जितने भी कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में जितने भी मैनेजमेंट्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट्स, हायर लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, सभी मैनेजमेंट मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिक हमारी अच्छी आएगी। मैनेजमेंट में रहिए, तत्पर होकर काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे वर्क फोर्स लिखा है, यानी कि वर्क फोर्स मतलब काम करने की प्रेरणा, अगर हमारे पास है, हम मोटिवेटेड हैं, तो हमारा आराम से मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सबको अगर मिलकर काम करते हैं तो एक अच्छा क्वालिटी डेवलप होगा। 14 पॉइंट की हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, हमको लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म विजन। हम जो भी काम करें, जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट होता है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए कोई चेयर आपको डेवलप करनी है, एक मैन्युफैक्चर करनी है, चेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको ये सोच के नहीं चलना है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए चले, हमको लॉन्ग टर्म तक उस चीज को सोचना है। तो जो विजन है हमारा, जो इंटेंशन है, वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, यानी कि पर्पस का सबसे पहले यहाँ पे चयन होना चाहिए कि जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एम है, वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, यानी कि कम समय के लिए नहीं, जो भी हम प्लान करें, जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी भी प्लान को, वो हमारा लंबे प्लान तक चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट बात करता हूं, अडॉप्ट अ न्यू फिलॉसफी। अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन है, जैसे आपके एग्जाम्पल आज की डेट में बात करूं मोबाइल फोन की, एक मोबाइल फोन आता है और दूसरा मोबाइल फोन आ जाता है उसी फीचर के साथ कम दाम में, क्या हुआ यहाँ पे, मार्केटिंग बढ़ी, यानी कि क्या हो रहा है, पहले आपको ज्यादा फोन पे मोबाइल मिलता था, लेकिन उसके बाद किसी कंपनी ने दूसरी फोन लॉन्च करी उससे कम दाम में और सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो हुआ क्या यहाँ पे, कंपटीशन बढ़ गई। तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो महंगे फोन थे, अब वो भी उनसे आगे जाना चाहेंगे, तो इसमें वहां पे ये कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, यानी मॉडिफिकेशन आप इसमें कर रहे हैं तो वो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो फोन आपका टॉप में आएगा, अदरवाइज
से टॉप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो डेमिंग के 14 पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट था वो ये था कि अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। हम लगातार जब हमारा कोई भी हम काम करते हैं उसमें हम नया नया फिलॉसफी, नए नए हमारे वर्क मेथडोलॉजी हम यूज करते रहे, इसमें क्या होगा, मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम होगी। तो कभी भी आने वाले समय पर अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कॉम्पिटिटर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमको आसानी से आगे आने में मदद होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से सारे मेथड को हमने रूबरू हो चुके हैं, इसलिए मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम है। तो मिस्टेक्स ना हो इसलिए डेमिंग क्या बोला कि हमारा क्या होना चाहिए, फिलॉसफी होनी चाहिए, जो मेथड होनी चाहिए वो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, नया नया होना चाहिए दिन के बदलते साथ। सीरीज ऑफ डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं आपको एक साथ बताता हूं। फोर्थ पॉइंट हमारा है इंप्रूव कॉन्स्टेंटली, इंप्रूव कॉन्स्टेंटली लिखा हुआ है। इंप्रूव कॉन्स्टेंटली का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को हमको इंप्रूव करते हुए चलना है, और कोई भी प्रोडक्ट नहीं, पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि कोई प्रोडक्ट हम करते हैं वो हमारा धीरे धीरे इंप्रूव होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होते चाहिए। अगर आज उसका रेटिंग पॉइंट 4 है तो कल को 4.2 हो, कल को 4.3 हो, इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, ये निरंतर रूप से बढ़ते ही चलना चाहिए, बढ़ते ही चलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो समझने वाली चीज है वो ये है मास इंस्पेक्शन जो यहाँ पे लिखा, तो मास इंस्पेक्शन का मतलब है कि किसी भी क्वालिटी को हमको क्वालिटी को मास इंस्पेक्शन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप चेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, चेयर मैन्युफैक्चर करने के बाद आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, एकदम अच्छे से विजुलाइज कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको मास इंस्पेक्शन की जरूरत है। कहने का मतलब ये कि जो भी आप एंटायर प्रोडक्शन कर रहे हैं उस एंटायर प्रोडक्शन का आप पहले उसमें क्या करिए, आप निरीक्षण करिए, क्या उसमें कोई कमी है या नहीं, अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे वहां पे न्यू टेक्निक्स लगा के हम उस चीज को वहां पे रिमूव कर सकते हैं। ये अगर आप तरकीब लगाते हैं तो आपको मास इंस्पेक्शन की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि पूरे एंटायर प्रोडक्शन यूनिट को आप क्या करिए, मास इंस्पेक्शन करिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस ऑन द क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उस पर आपको फोकस करना है, बट वो एंटायर लेवल पे। जो फोर्थ पॉइंट था वही था फोकस ऑन द सिस्टम एंड सर्विसेज। सिस्टम एंड सर्विसेज मतलब अगर आप सिस्टम अपने मैनेज, सिस्टम यानी कि मैनेजमेंट हो गया, सर्विस यानी कि जो भी वहां पे हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप अपने सिस्टम पे यानी कि अपने मैनेजमेंट पे और अपने काम पे अगर आप फोकस कर लिए तो आपकी क्वालिटी खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। तो यहां पे जो फोर्थ पॉइंट था इंप्रूव कॉन्स्टेंटली वो यही था कि आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती चली जाएगी अगर आपका सिस्टम और सर्विसेस तगड़ा रहा तो। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, इन सबको ट्रेनिंग की तो जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था लेवल पर वहां पे हमको ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें क्या हो सब कुछ बताया जाए, कैसे हमको क्वालिटी को भी मद्देनजर रखना है, कैसे इंडस्ट्रीज की रेटिंग्स को बचानी है और कैसे किस तरीके से यहाँ पे हमको मार्केट में फाइट करना है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग की जरूरत है, ये ट्रेनिंग किसको देने की बात कर रही है, तो ये है वर्कर्स के लिए। सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंस्टीट्यूट लीडरशिप। अब ये जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं या फिर जो भी ये सारे चीज के निरीक्षण करता है, एक इसका एक सुपरविजन होता है, तो सुपरविजन की भी लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो उसका नेतृत्व होना चाहिए, काम के प्रति जो नेतृत्व है वो जिम्मेदारी वाला होना चाहिए। किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर वो नेतृत्व नहीं संभाल पाता तो यहाँ पे लीडरशिप का कोई मतलब नहीं होगा, या फिर एक ये कहा जाए कि सुपरवाइजर एक ऐसा होना चाहिए जो काम का निरीक्षण सही और अच्छे ढंग से कर पाए। इसलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट लीडरशिप होना चाहिए, यानी कि लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। किसकी बात ये कर रहा है, ये अल्टीमेटली सुपरवाइजर की बात कर रहा है। सेवन पॉइंट है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यानी कि यहाँ पे कोई भी अगर हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो एक प्रोडक्ट डेवलप किए, सपोज मान लीजिए उसकी कॉस्ट एक्स में मानता हूं, यानी कि 1000 रुपए मानता हूं, वो कॉस्ट हमको लग रहा है ज्यादा कॉस्ट हो गया, तो किस तरीके से उसकी रॉ मटेरियल्स पे पैसा बचाया चाहिए, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट में कितना पैसा बचाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना लगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमारा अगर महंगा निकल जाता है तो हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं कि अरे ये प्रोडक्ट मेरा महंगा हो गया, अब मुझे इसको किस तरीके से कम करना है। आप प्रोडक्ट के रेट को कम मत करिए, आप एंटायर टोटल कॉस्ट को कम करिए, आपका रॉ मटेरियल से लेकर आपका मैन्युफैक्चरिंग तक जो भी लागत लगा, इस लागत को आप प्रत्येक यूनिट के लिए मत करिए, इस लागत को आप जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी क्वालिटी को नजर रखते हुए आप पूरे एंटायर प्रोडक्शन को आप टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करिए। वहां पर यही कह रहा है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, इसीलिए लिखा हुआ है डोंट सी द प्राइस टैग। हर एक यूनिट का या फिर हर एक प्रोडक्ट का आपको प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छा क्वालिटी बनाते हैं और पूरे एंटायर प्रोडक्शन में फोकस करते हैं, पूरा मैनेजमेंट मिलकर काम करता है, तो ऑटोमेटिक उसकी टोटल कॉस्ट रिड्यूस होने की संभावना रहेगी। एट पॉइंट ड्राइव आउट द फियर। अब वर्कर्स डरे हुए हैं, वर्कर्स काम करने के लिए प्रेरित नहीं है, तो ये सबसे पहले हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो क्या करे, जो भी वहां वर्कर्स हैं, जो भी वहां लेबर्स हैं, उनका वो सबसे पहले डर दूर करे। जब तक उनका डर दूर होगा नहीं, जब तक वो मोटिवेट होंगे नहीं, तो काम सही ढंग से
नहीं हो पाएगा। नौवां पॉइंट डेनिम में बोला ब्रेक द बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। अब होता यह है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में बैरियर्स, बैरियर्स मीन्स की एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन यूनिट का, एक डिपार्टमेंट है इंस्पेक्शन यूनिट का, दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव है, एक दूसरे से बात ही नहीं करने, ऐसे में काम बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये सोचेगा मैं हीरो हूं, ये सोचेगा मैं हीरो हूं, दोनों हीरो हीरो मिलेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जितने भी बैरियर्स हैं, जो भी मनमुटाव है, इन सब को दूर करके मिलके एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ऐसा भी होता है अक्सर लेबर हायर अथॉरिटी से बात नहीं कर पाता, या फिर लेबर सुपरवाइजर से भी बात नहीं कर पाता, तो इन दोनों के बीच का जो बैरियर्स है इसको रिमूव करना चाहिए। तब तक आपसी समावेश नहीं होगा, आपसी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब तक काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दसवां पॉइंट है ब्रेक बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। जैसे मान लीजिए प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप का मतलब होता है उत्साह, किसी काम को लेकर एक उत्साह, एक खुश, एक अच्छा काम होना, किसी चीज की कोई अच्छी अचीवमेंट होनी, वो क्या है प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। तो यहां पे लिखा है ब्रेक बैरियर्स या रिमूव बैरियर्स, हमको वो दूरियां हटाना है। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट को एक प्राइज ऑफ वर्कमैनशिप मिल गया, एक अवार्ड मिल गया, एक अच्छा उनको प्रोत्साहन मिल गया, तो वो मिलने से होता क्या, दूसरे डिपार्टमेंट वाले नर्वस हो जाते हैं। तो ये चीज अगर होगी तो एक इंडस्ट्रीज का, एक ऑर्गेनाइजेशन का रहना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंट अलग अलग टूट चुके हैं, लोगों के डिपार्टमेंट के मन में बीच है कि अरे वो उसको अच्छा प्राइड मिल रहा है तो हमको मन मुटाव हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। इसलिए कि एक को अच्छा मिल रहा है तो बाकी डिपार्टमेंट वाले नाराज हो जा रहे हैं कि उसके काम को प्रोत्साहन मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है, तो ये चीज दूर रहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है, इसकी ऊंच नीच होती रहेगी। तो इसलिए प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप जरूरी है कि इसको हम दूर करें, किसी भी चीज को लेकर दूसरे लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए, ये चीज भी डेमिंग ने कहा कि इस पॉइंट के अंतर्गत रखा गया। 11th पॉइंट है एलिमिनेट द टारगेट एंड स्लोगन फॉर वर्क। जो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं लेबर, वो 11th पॉइंट और 13th पॉइंट, 11th और 13th पॉइंट को मैं एक साथ बता के चलता हूं। 11th पॉइंट है एलिमिनेट द टारगेट एंड स्लोगन फॉर वर्क, और 13th पॉइंट है एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटा फॉर द वर्क। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ये अक्सर पीड़ित होते हैं हर इंडस्ट्रीज में, शायद अगर आप इंडस्ट्रीज कभी काम किए होंगे तो आप भी इस चीज से पीड़ित होंगे। 11th पॉइंट कहता है कि किसी भी वर्क लेबर को आप उसको टारगेट मत दीजिए कि आपको आज के दिन पे 8 घंटे की नौकरी पे आपको इतना काम करना है, मतलब करना है, ये टारगेट देंगे, ये ऐसा स्लोगन दे देंगे तो वो काम करने से प्रेरित नहीं होगा, वो डीमोटिवेट होगा, वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होगा काम को लेकर। तो बेहतर ये है कि इस चीज को एलिमिनेट करना चाहिए। 13 पॉइंट पे ये कहता है एलिमिनेट द न्यूमेरिकल कोटा। न्यूमेरिकल कोटा मींस ये कुछ भी हो सकता है, ये ड्यूरेशन के आधार पर भी हो सकता है और ये सैलरी के आधार पर हो सकता है। सपोज मान लीजिए अगर आपको कोई कहता है कि इंडस्ट्रियल 10 यूनिट आप प्रोडक्ट डेवलप करिए, तो 10 यूनिट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मैं इतना कॉस्ट पे करूंगा, तो वो ये क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगा, वो क्वालिटी को, वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि मेरा आज का टारगेट 10 है तो 10 का 10 यूनिट है वो बनाने पे लगेगा, क्योंकि उस 10 यूनिट का उसको पैसा कमाना है आज के डेट पे। तो जब तक इस चीज को अगर आप लागू करेंगे तब तक उस क्वालिटी पे हम वर्क नहीं कर पाएंगे जो हमको चाहिए। लास्ट पॉइंट था इंप्लीमेंट या फिर एकम्पॉलिश द ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आप परिवर्तन करते हैं उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करिए, सही तरीके से इंप्लीमेंट करिए, एकम्पॉलिश मतलब पूरा करिए, तभी हमारा काम सक्सेसफुल होगा। सारी चीजें आपने प्लानिंग कर ली, आपने क्या योजना करना है वो भी कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, लेकिन उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते या पूरा नहीं कर पाते तो उस चीज का कोई मतलब नहीं होता है। डेमिंग 14 पॉइंट से अगर आप शॉर्ट टर्म्स में भी अगर इसको अपने थ्योरेटिकल नॉलेज में दो दो लाइन भी लिखेंगे तो 14 पॉइंट भी लिखते हैं तो आराम से आपका 3 से 4 पढ़ना होगा, जो कि एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, और किसी का थ्योरी चाहते हैं तो भी मैं आप ला दूंगा। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के और मैनेजमेंट के कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं जरूर वीडियो बताइएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।